दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाइए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर यह दुनिया में देखा होगा कि कोई इंसान पहले पाई करता है और इसके बाद नौकरी आदि का प्रयास करता है। जब नौकरी लग जाती है या नहीं लगती है, अपनी उम्र के हिसाब से शादी करता है, इसके बच्चे, और फिर सभी बच्चों की शादी कर देता है। तब उस समय उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि मुझे साधु बन जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियां सभी निपटा चुका होता है। लेकिन यहां आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, उस लड़की की उम्र अभी सिर्फ 21 साल है और वह लड़की साधु बन गई, जब लड़की बहुत ही खूबसूरत और अच्छे परिवार से दिखती है। अब सवाल यह उठता है कि इस 21 साल की लड़की को साधु क्यों बनना पड़ा, आखिर क्या मजबूरी थी इस लड़की के सामने। उस लड़की का नाम जया किशोरी है। जया का जन्म 13 जुलाई 1996 को राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। जया बताती हैं कि बचपन से ही मेरे पास कोई ऐसी शक्ति से रहती थी जो मुझे भगवान के प्रति प्रेरित करती रहती थी, इसी कारण मेरा लगा भगवान से ज्यादा लगा रहा। इसीलिए मुझे जब अच्छा समय दिखाई दिया, मैंने साधु बनने का फैसला किया। इस समय जया देश में घूम घूम कर भगवान के बारे में लोगों को बताती हैं। सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह है कि वो यह सब करने के बाद भी बीकॉम की पढ़ाई भी कर रही हैं। जया ने एक इंटरव्यू में बताया कि ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो जीवन में कभी खत्म ही नहीं होता है। आपको यह भी बता दें कि ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और इनके लाख की संख्या में फॉलोवर्स भी हैं, जिनके लिए ये अपने वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। दोस्तों, जया के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।